यहाँ के किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीन दिया है इस रेल पटरी रेल आवागमन के। समय समय पर लोग आते हैं मेरे क्षेत्र में, हेलो क्षेत्र की जनता मेरे पास आती है, हमने जमीन दिया उसके एवज में जितना मुआवजा मिलना चाहिए नहीं मिला, हमें जैसा बताया गया नौकरी हर परिवार को देंगे। मैं मानता हूं कुछ लोगों को नौकरी मिली है, मुआवजा मिला है, मगर बहुत सारे कुछ लोग बचे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये समय समय पर ये चलते रहे और ऐसा ना हो कि रेल चलन में बाधित हो, इसलिए इस समस्याओं को अभी से दूर करने का प्रयास होना चाहिए। तो मैं आज के शुभ अवसर पर मेरे क्षेत्रवासियों की ओर से हमारी भारत सरकार को, रेलवे बोर्ड को और विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज बहुत अच्छी सुविधा मेरे क्षेत्र के लिए आपने दिया है। परंतु पुनः अपने विचार समाप्त करने के पूर्व पुनः एक बार आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये जो सुविधा देने की आपने जो हमारे क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया था उसमें आज तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसलिए इस ओर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें और क्षेत्र की जनता को सुविधा प्रदान करें। मेरी भावनाओं के साथ मैं प्रिंट मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं, ये मेरी भावना, ये मेरे विचार, मेरे क्षेत्र की जनता की आवाज है। यह अंतागढ़ रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक जाना चाहिए, रेलवे बोर्ड तक जाना चाहिए, आप मीडिया के साथियों से भी निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्र। बहुत सुंदर उद्बोधन टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वी हैव ऑल रिक्वेस्टेड टू यू आपके संबोधन के लिए पुनः एक बार टू फाइंड सॉल्यूशन और ऑन द स्टेज अंतर्गत रेलवे प्लेटफॉर्म। थैंक यू। पीछे की ओर खड़े हुए सभी अतिथियों से मैं गुजारिश करते हैं, अनुरोध करते हैं कि प्लीज आप सभी जो सीटें खाली पड़ी वहां पर बैठ जाए। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है श्री मोहन भंडारी जी, माननीय सांसद लोकसभा। मैं सर को सर सम्मान मंच पर संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूँ। आइए मोहन भंडारी जी को सुनते हैं, उसके प्यारा संबोधन कैसा होगा। बोलिए भारत माता की जय, शीतला माता की जय, पूर्णादेव की जय, लिंगो बाबा की जय, उपस्थित भाइयों बहनों की जय। बड़ा ही हर्ष की बात है आज हमें नए ट्रेन की सुविधा मिल रही है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे क्षेत्र के विधायक भाई अमित काग जी, हमारे अपर मंडल प्रबंधक छत्तीसगढ़ बिश्नोई जी, हमारे सांसद प्रतिनिधि प्रमोद जैन जी, हमारे अंतर्गढ़ नगर के मुखिया राधेलाल जी, रेल विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी, हमारे अंतर्गढ़ क्षेत्र के बहुत ही गणमान्य नागरिक बंधु, हमें 750 करोड़ रुपए की अनुदान मिली और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से नया ट्रेन चालू हो रहा है। अभी कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री वहां हरी झंडी दिखाएंगे और हम यहां हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। वाओ, अब ये ट्रेन प्रतिदिन 11 बजे से रवाना होगी और 3:30 बजे रायपुर पहुंचेगी। थैंक यू। शाम को 6 बजे वापस होगी और 10:30 बजे वापस यहाँ आएगी। प्रतिदिन ये चलेगी रेल और इस प्रकार से हमारे जो पुराने मार्ग है बहुत ऐतिहासिक मार्ग है और आज का दिन ऐतिहासिक है। आप लोगों को मालूम होगा, हम लोग लोकसभा में उठाते थे, हमारे रेल मंत्री पहले पीयूष गोयल जी थे सर, थोड़ा सा उसके बाद हमारे वैष्णव जी है, दसों बार मिले और हमको इतना स्वागत दिए जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारे आसंदी भी विराजमान अति विशेष हमको विधायक अनुप प्रतापपुर से अनुप नाग जी,
अभी 29 तारीख को एक आदेश हमको और मिला, जो धमतरी से माननीय रेल प्रबंधक नगरी होते हुए पासपोर्ट अमरावती होते हुए कोंडा गांव जाके मिलेगी। और ये ट्रेन माननीय मनोज मंडावी जी हो गया आसंदी से 500 करोड़ सीधा जगदलपुर जाएगी। अपना महानतम उद्बोधन जगदलपुर जुड़ गया, मैंने विशाखापट्टनम वगैरह जाने से कोई तकलीफ नहीं होगी, दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते। आज के दिन में सबसे सस्ता और सुंदर और रेल सुविधा जिस क्षेत्र में